बनारस का तो बहुत खास है, इतना खास है कि पहले लोग मलयो ही खिलाते हैं। और कितना लोग बाहर नौकरी चाकरी करने वाले सोचते हैं ठंडी में बनारस आए कि मलयो खा ले, यात्री भी सोचते हैं कि हम बनारस में ठंडी के मौसम में आए। और इसका बनाने का तरीका ये होता है कि दूध को बॉयल किया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है पूरा, फिर उसको रात को उसमें फैला के रखा जाता है, फिर सुबह भोर में ला के यहाँ रखा जाता है, फिर इसको फेंट के मक्खन अलग किया जाता है। मक्खन अलग करने के बाद में जब मक्खन पूरा निकल जाता है, जिस दूध में से मक्खन नहीं निकलता है उस दूध में फिर इलायची केसर चीनी गुलाब जल पीस के फिर इसको उसका सीरा बना के इसको मिक्स किया जाता है, तब ये मलइयो तैयार हो जाता है। नवंबर में चालू होता है और फरवरी आते आते बंद हो जाता है। अब राहुल गांधी ने भी आज इसका स्वागत कर दिया है मलइयो का। जी क्या कहेंगे आप? हम क्या कहें इसके लिए, तो बहुत अच्छा है, मतलब कि मलइयो खाए, इसके पहले भी मतलब मोदी जी खाए रहे तो और प्रसिद्ध हो गया था, और राहुल भैया खाए तो और प्रसिद्ध हो जाएगा इसी तरह, और इसका चर्चित बढ़ जाता है कि मतलब हर मिठाई से ज़्यादा मलइयो का फेमस हो जा रहा है। कोई भी आ रहा है तो पहले मलइयो लाओ भैया।